देखिए, हमने पिछली क्लास में कौन सा कॉन्सेप्ट देखे थे? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, और इसमें हमने दो संक्रियाएं देख ली थी। कौन कौन सी देखी थी? एक तो देखा था जोड़, और एक देखी थी हमने घटाव। इसमें हमने इम्पोर्टेंट चीज क्या सीखी थी कि जब भी आपके समान अपरिमेय संख्याएं आती हैं तो उन्हें हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन यदि आपकी अपरिमेय संख्याएं असमान हैं या फिर अलग अलग हैं तो उन्हें ना ही हम जोड़ सकते हैं और ना ही उन्हें हम घटा सकते हैं। तो केवल हम समान अपरिमेय संख्याओं पर जोड़ और घटाव की संक्रिया को लगा सकते हैं, ना कि असमान अपरिमेय संख्याओं पर। ठीक है, अभी हम देखते हैं गुणा कि आखिर वास्तविक संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं का गुणा और भाग बहुत ही आसान है। कैसे? आपको परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या से करना है, परिमेय का गुणा आप परिमेय संख्या से करें, और अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करें। सेम यही भाग के लिए भी है, सेम यही भाग के लिए भी है कि परिमेय संख्याओं का भाग परिमेय संख्या से करें, अपरिमेय संख्या का भाग आप अपरिमेय संख्या से करें। अब इससे मेरा क्या मतलब है, चलिए इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2√8, इसको हमें गुणा करना है 9√2 से। ठीक है, 2√8 का हम गुणा करेंगे 9√2 से। तो देखिए, 2√8 का भी क्या मतलब है, 2√8, और फिर यहाँ गुणा का चिन्ह है तो हमने गुणा का चिन्ह लगाया, फिर क्या लिखा, 9√2, क्योंकि 9√2 कहाँ से आया है, क्या मतलब होता है 9√2 का, 9√2। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कुछ हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं, कुछ हमारे पास अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यदि मैं यहाँ पर देखूं 2 और 9, यह दोनों परिमेय संख्याएं हैं, जबकि √8 और √2 यह दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या से करते हैं और अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करेंगे। तो चलिए, 2 को मैं गुणा करता हूँ 9 से, 9 × 2 कितना हो गया, 9 × 2 = 18 गुणा √8 × √2। अच्छा, अब अपरिमेय संख्याओं का जो गुणा होता है, अपरिमेय संख्याओं का गुणा आप नॉर्मली कर सकते हैं। मान लीजिए √2 × √3 है, तो हम 2 × 3 करें तो कितना उत्तर आता है, 2 × 3 होता है आपका 6। इसी प्रकार से यदि हम √2 × √3 करें तो √2 × √3 क्या होगा आपका, 2 × 3 हो गया 6 और √ की जगह √। तो इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं जैसा कि हम परिमेय संख्याओं में करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जोड़ और घटाव नहीं करना है। मान लीजिए √2 + √3 दिया गया होता तो उसे हम √5 नहीं लिख सकते थे, यानी कि जोड़ और घटाव जो होते हैं वह नॉर्मल परिमेय संख्याओं की तरह सॉल्व नहीं होते हैं, गुणा और भाग आपके सॉल्व हो जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो हमारा 2 × 3 क्या हो गया, √6। तो इसी तरीके से √2 × √3 आपका √6 होगा। ठीक है, तो चलिए, परिमेय संख्याओं को हमने यहाँ पर गुणा किया, 9 × 2 यह तो हो गया था 18। अभी आता है √8 × √2, तो √8 × √2 क्या होगा, 8 × 2 क्या होता है, 16, और √ का √, तो क्या उत्तर होगा, √16। अभी बताइए √16 का मान क्या होता है, 18 गुणा √16 का मान क्या होता है, यहाँ पर √16 का मान कमेंट में बताइए सभी बच्चे, √16 का मान क्या होता है, सभी बच्चों को कमेंट में बताना है, √16 का मान, वेरी गुड। तो √16 का मान क्या आएगा हमारा, 4 आएगा, और जब 18 × 4 करेंगे तो 18 × 74 यानी कि 72, तो 72 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा करें, अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा करें। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपरिमेय संख्याओं का गुणा करें वह नॉर्मल परिमेय संख्याओं की तरह ही होगा, जोड़ और घटाव नहीं होते हैं लेकिन गुणा और भाग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए
इसका हमारा उत्तर हो गया 72। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि लेना चाहते हैं तो। चलिए अभी हम देखते हैं परिमेय, सॉरी रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं का भाग, कि आखिर वास्तविक संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि परिमेय संख्याओं का आपको भाग करना है परिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या का भाग करना है अपरिमेय संख्या से। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं का भाग किस तरीके से होगा, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अंडर रूट 15 है बटा में अंडर रूट 5 है, तो इसका मान क्या आएगा यदि आप 15 का भाग करें, 15 में भाग करें 5 से, यह एक परिमेय संख्या है 15 और 5 भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं का भाग हम कैसे करते हैं, 15 में 5 का भाग करें तो कितना उत्तर आएगा, 5 * 3 = 15, 3 उत्तर आएगा। सेम ऐसे ही यदि अंडर रूट 15 का हम 15 में भाग दें अंडर रूट 5 से, तो देखिए 5 * 5 = 5, 5 * 3 = 15, तो कितना उत्तर आएगा अंडर रूट 3, यह आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी, कि यदि आपकी दो अपरिमेय संख्याएं हैं अलग अलग और उनमें आपको भाग देना है तो आप इसे एक अंडर रूट भी बना सकते हैं, अंडर रूट ए बटा बी भी लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से यह संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं अंडर रूट 16/4 दिया गया है, अंडर रूट 16/√4, तो मैं इस प्रॉपर्टी की सहायता से इसे कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 16/4, फिर हम क्या कहेंगे 4 * 4 = 4, 4 * 4 = 16, तो क्या उत्तर आएगा अंडर रूट 4, और इसका मान होता है अंडर रूट 2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही भाग में लिखा है ऐसे ही हम गुणा में भी लिख सकते थे, जैसे कि हमने पीछे देखा था यह कैसे सॉल्व हो पाया था, अंडर रूट 8 * अंडर रूट 2, इसे हमने अंडर रूट 16 कैसे लिखा था, तो गुणा में भी यह प्रॉपर्टी होती थी, अंडर रूट ए गुणा यदि अंडर रूट बी है, दो संख्याएं हैं दोनों के ऊपर अलग अलग अंडर रूट हैं, दोनों गुणा में हैं, तो हम उनके ऊपर एक ही अंडर रूट लगा सकते हैं, इन दोनों अंडर रूट को मिलाकर एक बना सकते हैं, तो अंडर रूट ए गुणा बी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम जोड़ और घटाव में नहीं कर सकते, यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखिए अंडर रूट ए अंडर रूट बी यह दो संख्या है, यदि मुझे ये दोनों संख्याएं जोड़नी है तो मैं देखिए जोड़ में इनका एक वर्गमूल नहीं बना सकता और ना ही इनका घटाओं में मैं एक वर्गमूल बना सकता हूं, यह नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, यह आपका गुणा और भाग के केस में सही है, यानी कि यदि दो अलग अलग वर्गमूल हैं तो आप गुणा कर सकते हैं दोनों का एक साथ और उस पे आप एक वर्गमूल लगा दें फिर, और यदि आप भाग में लिखना चाहते हैं तो भाग में भी इसे लिख सकते हैं, यानी कि दोनों के ऊपर एक ही वर्गमूल लगा दें, लेकिन गुणा सॉरी जोड़ और घटाव के केस में आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसी वजह से हम ऐसा नहीं लिख पा रहे थे, अंडर रूट 2 + अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इसे हमने इसीलिए अंडर रूट 5 नहीं लिखा था। ठीक है, तो ये दोनों ये चारों प्रॉपर्टीज याद करने की नहीं है आपको, लेकिन समझ में आनी चाहिए, नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके समझ में रहनी चाहिए कि हम ऐसा लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया, सभी बच्चों को क्लियर है, कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। ठीक, वेरी गुड, चलिए सभी को समझ में आया, तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 √20, 5 √20 में हमें भाग देना है किसका, 9 √5 का। तो देखिए परिमेय संख्याओं का भाग हम परिमेय संख्या में देंगे, अपरिमेय संख्याओं का भाग हम अपरिमेय संख्या में देंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखिए 5 परिमेय संख्या है, 9 परिमेय संख्या है, तो 5 का भाग 9 में देते हैं, और अंडर रूट 20 / √5 लिखा हुआ है, अंडर रूट 20 / √5 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं हैं, दो अपरिमेय संख्याओं पर अलग अलग वर्गमूल लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर एक ही स्क्वायर रूट बना सकते हैं,
और इन दोनों को इसके अंदर लिख सकते हैं, तो क्या उत्तर आएगा? देखिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो क्या आया? √4, और इसका मान कितना होता है? 2। तो √20/√5, इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं? इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूं 2। ठीक है, 2 कैसे आया इसकी जगह पर? हाँ जी, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए कोई डाउट है क्या बेटा? सर थोड़ा सा एक बार और समझा दीजिए। अच्छा, भाग समझ में नहीं आया आपको? √20/√5 वाला क्या? सर ठीक है, तो देखिए, हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि यदि हमें दो अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं, जो कि यहाँ पर थी, दो अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं, दोनों पर ऊपर अलग अलग, ऊपर और नीचे अलग अलग स्क्वायर रूट है, तो हम उन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ऐसा हमने गुणा में पढ़ा और ऐसा भाग में भी होता है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, एक और चीज पढ़ी कि परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्या में भाग दें, अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्या में भाग दें, तो 5/9 है, यह तो दोनों परिमेय संख्या है, इन्हें तो हमें अलग लिख रखा है, √20 है और नीचे √5 है, तो √20 का यदि मैं √5 में भाग देना चाहता हूँ, तो देखिए, ऊपर और नीचे अलग अलग स्क्वायर रूट है, इन्हें मैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकता हूँ, यानी कि √20/5 लिख सकता हूँ। फिर देखिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो क्या आ गया? √4/1, 4 में 1 से भाग देते हैं तो क्या आएगा? √4 आएगा, और √4 का मान कितना होता है? 2 होता है, तो √20/5 की जगह इसका मान क्या आ गया? इसका मान आ गया है 2। तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख रहा हूँ? इस पूरे की जगह पर मैंने लिख दिया गुणा में 2। ठीक है, अभी देखिए, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 5 × 10/, नीचे क्या है? 9, तो 9 का 9, तो 10/9 हमारा सही उत्तर आएगा, 10/9 इज योर करेक्ट आंसर। अभी समझ में आया? अभी क्लियर है? निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है और सभी बच्चों को, बाकी के वाई और एन लिखकर बताइए, यदि क्लियर है तो वाई लिखें, क्लियर नहीं है, कहीं पर भी कुछ डाउट है तो एन लिखना है। सभी बच्चे आंसर करें बेटा कमेंट में, यदि क्लियर नहीं है तो एन लिखें और अपना डाउट पूछ सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है? इसका उत्तर आ गया है 10/9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। क्या दिया गया है हमें? √11 − √19 और √19 − √11, इसे आपको जोड़ना है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। सभी बच्चे सॉल्व करें। √11 − √19 और √19 − √11 को जोड़ना है। बेटा ध्यान से सॉल्व करना है, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए हैं। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं,
सभी बच्चे सॉल्व करें, कोशिश सभी बच्चों को करनी है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। हाँ ट्वेंटी सेकेंड। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। सभी बच्चे आंसर करें। 5, 4, 3। हाँ जी, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए। ठीक सर थोड़ा टाइम दे दो। है ठीक है, हम 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं आंसर करें। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जबकि ज्यादातर बच्चों ने गलत उत्तर दिया है। हमें क्या दिया गया है? एक संख्या है -11 -19, √11 -√19। इसे हमें जोड़ना है किस संख्या में? √19 - √11 में। तो आपको बताया गया था पिछली क्लास में, जब भी ऐसी क्वेश्चन आते हैं, आप दोनों संख्याओं को या फिर दो से अधिक भी संख्या है तो सभी को ब्रैकेट में लिखें और फिर उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करें, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए, एक संख्या क्या दी गई है? √11 - √19। इसको हमने कोष्टक में लिखा, इसमें हमें किस संख्या को जोड़ना है? √19 - √11 को। ठीक है, तो देखिए अभी इस कोष्टक को खोलते हैं। इस कोष्टक के बाहर कौन सा चिन्ह है? कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है। और जब कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह होता है तो कोष्टक के अंदर की जो संख्या होती है, यानी कि ये वाली संख्या, इनके चिन्ह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो √11 पॉजिटिव में है, √11 लिखा। √19 नेगेटिव में है, तो इसे माइनस का √19 लिखा। फिर इस कोष्टक के बाहर भी प्लस का ही चिन्ह है, तो इसकी संख्याएं भी एज इट इज ही खुलेंगी। √19 प्लस का है तो प्लस का √19 खुला, √11 माइनस का है तो माइनस का √11 खुला। ठीक है, अभी हम लिखेंगे समान अपरिमेय संख्याओं को और असमान अपरिमेय संख्याओं को छांटेंगे। तो देखिए, यहाँ √11 है, यहाँ भी √11 है, यानी कि ये दोनों समान अपरिमेय संख्या है। सेम इसी प्रकार से यहाँ √19 है, यहाँ भी √19 है, तो ये दोनों भी समान अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए, देख √11, ये वाला √11 यहाँ है, इस -√11 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस का √11। ठीक है, फिर देखिए माइनस का √19, इसे मैंने यहाँ लिखा -√19, और प्लस का √19 इसको यहाँ लिखा। ठीक है, अभी देखिए, √11 प्लस का है, √11 माइनस का है। एक √11 में से एक √11 गया तो क्या हो गया? जीरो बचा, तो यहां पर आ गया जीरो। एक √11 में से एक √11 को घटाएंगे तो क्या आ गया? जीरो। फिर यहां पर देखिए, यहां पर भी सेम, एक √19 प्लस का है,
एक अंडर रूट 19 माइनस का है, यानी कि एक अंडर रूट 19 में से एक अंडर रूट 19 को ही घटा दिया तो क्या बचेगा, यहाँ भी जीरो ही बचेगा, और जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर आया, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, अंडर रूट 11 और ये माइनस का अंडर रूट 11 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर भी माइनस अंडर रूट 19 और प्लस का अंडर रूट 19 है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा उत्तर क्या बचा, जीरो यानी कि शून्य। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया, क्लियर है बेटा, वाई और एन लिखकर बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या समझ में आया या नहीं आया, आया तो वाई लिखें, नहीं आया है तो एन लिखें। सभी को आ गया है, वेरी गुड, तो इसका उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, अच्छा यह आपके होमवर्क में है, इसे आप घर से सॉल्व करके लाएंगे क्वेश्चन 130 को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन 130 का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, घर से सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन अभी होमवर्क में दिए जाते हैं, 131 यह भी आपके होमवर्क में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 131 यह भी आपके होमवर्क में है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 132 यह भी आपके होमवर्क में है, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। तो क्वेश्चन नंबर 130, 131, 132, ये तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, ठीक है। चलिए अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन का, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो देखिए घातांक नियम हमने जब मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब काफी डिटेल में चर्चा की थी, ठीक है। तो अभी हम इन्हें एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि घातांक के नियम होते कौन कौन से हैं। तो देखिए मुख्यतः चार नियम हमने पढ़े थे, कौन कौन से नियम थे, ए की घात एम गुणा ए की घात एन, यानी कि यदि दो संख्याएं हैं जिनकी जो आधार है या फिर बेस है वह समान है जबकि घात है समान है। अच्छा लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे कर लें, ठीक है। तो देखिए यदि आपकी दो संख्याएं हैं जिनका आधार समान है और वो दोनों गुणा में हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। मान लीजिए जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको दिखाया गया है ए की घात एम है, दूसरी संख्या है जिसकी ए की घात एन है, ठीक है। इनका आधार यदि आप देखें तो देखिए दोनों का आधार सेम है ए ए, और घात और किसमें है ये दोनों ही संख्याएं गुणा में है, तो इसका मतलब यह हमारी आइडेंटिटी को फुलफिल कर रही है, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, ए की घात एम प्लस एन। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए दो की घात तीन है गुणा दो की घात पांच है, तो क्या इसमें हमारी यह वाली प्रॉपर्टी, यह वाला फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल देखते हैं। देखिए आधार दोनों का दो दो है और दोनों किसमें है गुणा में है, तो आधार समान है और दोनों गुणा में है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो कितना उत्तर आ जाएगा, दो की घात तीन प्लस पांच दो की घात आठ, हमारा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही यदि आपके आधार समान है लेकिन वो गुणा की जगह किसमें है भाग में है तो क्या होगा, तो आपकी घाते घट जाएंगी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए की घात एम माइनस एन। अच्छा अब घात घटेगी भी कैसे, जो आपकी पहले वाली घात होती है तो पहले वाली घात में से दूसरी वाली घात माइनस होगी, ठीक है। यानी कि ए की घात एम बटा ए की घात एन है तो पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात माइनस करनी है, ए की घात एम माइनस एन, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए इसे भी एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं, दो की घात दो, इसे हमें भाग देना है दो की घात चार से, तो देखते हैं सबसे पहले तो क्या यह वाली हमारी प्रॉपर्टी या फिर फॉर्मूला लग भी रहा है या फिर नहीं। तो
तो देखिए दो संख्याएं हैं, 2 की घात 2 और 2 की घात 4, इनका आधार समान है, इनका आधार समान है, और किसमें है, यह दोनों ही संख्याएं हमारी डिवाइड यानी कि भाग में है। तो क्या होगा, यह प्रॉपर्टी तो लग रही है, हम 2 में से 4 को घटाएंगे यानी कि घातों को आपस में माइनस करेंगे। तो देखिए जल्दबाजी में बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको लिखेंगे 2 की घात 4 माइनस 2, जो कि गलत होगा। क्यों गलत है, क्योंकि हमें पहली घात में से दूसरी घात को घटाना है, ना कि दूसरी घात में से पहली घात को। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहली घात 2 है, दूसरी घात 4 है, तो यहाँ पर यदि हम इसे सॉल्व करें तो 2 की घात 2 माइनस 4, 2 की घात -2 हमारा सही उत्तर होगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, बड़ी घात में से छोटी घात को घटाते हैं, जो कि गलत है, हमेशा सही नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें पहली घात में से दूसरी घात को घटाना है। तो सही उत्तर क्या हो गया, 2 की पावर -2, यह आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अभी देखिए तीसरे जो हमारा फॉर्मूला है वह क्या है कि यदि कोई संख्या है, मान लीजिए 1 की घात m है, तो उस पर भी यदि एक और घात लगी हुई है उसकी घात n, तो ये दोनों घात आपस में गुणा हो जाएंगी यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 1 की घात m गुणा n। ठीक है, चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 की घात 2 है और उस पर भी घात लगी हुई है 3, तो ये दोनों घात आपस में गुणा हो जाएंगी, यानी कि यदि घात की घात दी गई होती है, घात के ऊपर भी एक और घात लगी हुई हो, तो वो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। जैसे 2 की घात 2 और उसकी भी घात 3 है, तो क्या उत्तर आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो क्या उत्तर हो गया, 2 की पावर 6, यह हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला है चौथा, इसमें हमें क्या दिया गया है, ये यदि आप देखेंगे तो कुछ कुछ पहले फॉर्मूले के जैसा ही है। पहले फॉर्मूले में हमने क्या बोला था, अच्छा मैं इसे इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। पहले फॉर्मूले में हमने बोला था कि यदि आपके आधार सेम है और वो दोनों गुणा में है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि यदि आपकी घातें सेम है और वो गुणा में है, यदि आपकी घातें सेम है, आधार चाहे अलग है चाहे सेम है लेकिन वो गुणा में है, तो क्या होगा, आपके आधारों का गुणा हो जाएगा, a गुणा b, और उन पर घात क्योंकि दोनों के ऊपर समान है तो इन पर एक घात आ जाएगी, सेम वही m। ठीक है, चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, यह हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए दोनों पर घात क्या है, दोनों पर घात है 3 यानी कि समान घात है, और दोनों गुणा में है तो इसका मतलब आधारों का गुणा हो जाएगा, यह वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो 2 गुणा 3 और इसकी घात क्या हो जाएगी, दोनों की घात 3 है तो इसकी भी घात 3 हो जाएगी, तो क्या होगा, 2 इंटू 3 6, और 6 की पावर 3 इसका आंसर होगा। क्या सभी बच्चों को यह चारों प्रॉपर्टी, चारों नियम क्लियर हैं, समझ में आए, वाई और एन लिखकर बताना है, क्या सभी बच्चों को चारों नियम क्लियर हैं? एक बार दूसरे वाला दोबारा बता दो। दूसरी वाली प्रॉपर्टी, यस सर। ठीक है, तो देखिए दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है कि यदि आपके जो आधार हैं वह समान है, आपके आधार समान है और किसमें है, दोनों आपके भाग यानी कि डिवीजन में है, तो आपकी घातें माइनस हो जाती हैं, जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट यानी कि घट जाती है, और घटेगी कौन सी घात, पहली घात यानी कि जो ऊपर संख्या लिखी गई है ना उसकी घात में से नीचे वाली घात घटेगी, यानी कि 1 की पावर m माइनस n होगी। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप बड़ी घात में से छोटी घात घटाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि आप ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटाएं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए 2 की घात 2 बटा 2 की घात 4 है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 2 की घात 2 माइनस 4,
तो होगा 2 की पावर -2, क्योंकि 2 में से 4 घटा रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, क्लियर है? लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, अभी समझ में आया आपको? यस सर। ठीक, चलिए, तो यह तो थे हमारे, देखिए, चारों नियम। ठीक है, अब एक बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट नियम और हैं जो कि आपको याद रखने हैं। उसमें सबसे पहला क्या आता है कि यदि किसी भी संख्या की घात 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 है, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यह आपको ध्यान रखना है। यदि किसी भी संख्या की घात 0 है, मान लीजिए, इसको एक मिनट में इरेज कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए 5 की घात 0, इसका मान पूछा जाए तो भी 1 आएगा। मान लीजिए 2500 है, इसकी घात 0 है, तो इसका मान पूछा जाए तो भी 1 ही आएगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है x, उसकी पावर 0 है, तो भी उसका मान 1 आएगा। तो किसी भी संख्या की घात 0 हो, उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नियम आता है। चलिए, मुझे सबसे पहले यह बताइए कि 2 की घात 3 है, इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 × 3 है या फिर 2 × 2 × 2 है? इसका मतलब कमेंट में बताना है, इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 3 का? जल्दी से कमेंट में लिख के बताएं। टू की पावर थ्री का मतलब क्या होता है? अच्छा, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने, हमने जब स्क्वायर, क्यूब ये पढ़े थे, तब आपने क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? सर की थी, सॉरी, डाउट। ठीक है, तो देखिए, किसी भी संख्या की घात का मतलब होता है उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 को स्वयं से 3 बार गुणा करना, ना कि 2 को 3 से गुणा करना। ठीक है, इसी तरीके से यदि पूछूं मैं 5 की घात 2 का मतलब क्या होगा, तो 5 को 2 बार गुणा करना, ना कि 5 को 2 से गुणा करना। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह तो है। देखिए, किसी भी संख्या की घात यदि पॉजिटिव है, उसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? मान लीजिए यदि आपको दिया जाए कि किसी संख्या की घात नेगेटिव है, जैसे 5 की घात -2 है, तो इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे? अब हम यह सीखेंगे। तो यदि किसी संख्या की नेगेटिव घात है, तो उसको आप 1/2 लिखकर उसकी घात को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। यानी कि 5 की घात -2 है, इसे हमने क्या लिखा, 1/5 की घात 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 1/2 लिखने पर उस संख्या की घात को आप पॉजिटिव में लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी एक काफी बच्चे गलती करते हैं। यहाँ हमने 5 की घात 1/2 नहीं लिखा है, ठीक है, जबकि क्या लिखा है, 1/5 की घात 2। इन दोनों में बहुत फर्क है, हमें ये लिखना है। यानी कि 1/2 हमें यह पूरी संख्या लिखनी है, ना कि केवल -2। ठीक है, यह आपके क्लियर है? यह समझ में आया? यदि किसी भी संख्या की घात माइनस में है, तो 1/2 उस पूरी संख्या को लिखें और उसकी घात को आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। यदि हम इसे जनरलाइज या फिर इसका फॉर्मूला लिखें, तो क्या हो जाएगा, 1 की घात मान लीजिए -n है, तो वह क्या होगा, 1/1n। ठीक है, अच्छा, इसको नहीं देखना है, यह गलत लिखा हुआ है, यह नहीं होता है। ठीक है, 1 की घात 1/n नहीं होता है, जबकि क्या होता है, 1/1n। यह आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पे अभी देखा, चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 6 की घात -3 है,
तो इसका मान मैं कैसे निकालूंगा, इसे मैं सबसे पहले इसकी घात को पॉजिटिव बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा इसकी घात को पॉजिटिव, एक बटा में 6 की घात 3 लिखूंगा। फिर देखिए, एक बटा 6 की घात 3 का मान क्या होता है, 6 गुना 6 गुना 6, क्योंकि 6 की घात 3 किसी भी संख्या का यदि हम घात निकाले तो क्या होता है उसका मतलब उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। ठीक है, तो 1 बटा 6 गुणा 6 गुणा 6 इसको यदि आप निकालेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 बटा 216। 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे तो उसका उत्तर होता है 216। तो 6 की घात -3 का मान क्या आ गया है, 1 बटा 216। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है किसी भी संख्या की नेगेटिव घात को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या यह आपके समझ में आया, यह क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बताइए। किसी भी संख्या की माइनस घात को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या यह क्लियर है। ठीक है, ठीक है, यह क्लियर है। चलिए, अच्छा कोई बच्चा बता सकता है क्या अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब घात कितनी होती है, वर्गमूल का मतलब और घनमूल का मतलब। अच्छा चलिए अलग पेज पे लिख लेते हैं, वर्गमूल का मतलब घात कितनी होती है और घनमूल का मतलब घात कितनी होती है। क्या कोई बच्चा बता सकता है, यह हमने वर्गमूल और घनमूल में पढ़ा है इसलिए वो आपको पढ़ाए गए थे पहले। वर्गमूल और घनमूल का मतलब क्या होता है, कितनी घात होती है। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है मुझे 5 का वर्गमूल निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की घात ऊपर यहां पर कितनी घात लिखूं। किसी भी स्टूडेंट को याद है क्या, अच्छा चलिए वर्ग की घात बताइए, वर्ग की घात कितनी होती है, वर्ग की घात और घन की घात पहले बताइए। सबसे पहले वर्ग की घात कितनी होती है, वर्ग का मतलब कितनी घात होती है, कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। तो देखिए, वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की, वर्ग का मतलब घात 2, घन का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की घात 3, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की घात 1 बटा 2, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसी तरीके से घन और घनमूल भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो घनमूल की घात क्या होगी, घनमूल की घात होगी 1 बटा 3। जैसे अभी यहाँ पर हमें दिया गया है ना अंडर रूट 5 यानी कि 5 का वर्गमूल, तो इसका मतलब होगा 5 की घात 1 बटा 2। ठीक है, यदि यहीं पर होता 5 का घनमूल तो उसका मतलब क्या होता, 5 की घात 1 बटा 3। यदि यहीं पर होता 5 का वर्ग तो उसका मतलब होता, 5 के वर्ग का मतलब क्या होता, 5 की घात 2, और 5 के घन का मतलब क्या होता, 5 के घन का मतलब होता 5 की घात 3, क्योंकि किसी भी संख्या के घन का मतलब होता है घात 3। ठीक है, यह आपको पहले ही पढ़ा दिए गए हैं काफी डिटेल में। चलिए, तो इसका यह आपको ध्यान रखना है। अभी हो सकता है काफी बार आपको अंडर रूट 5 लिख कर दिया गया है या फिर अंडर रूट में कोई भी संख्या लिख कर दी गई है, उसको आपको इस तरीके से लिखना पड़ सकता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन, 2 की घात 5 बटे 3। अच्छा, डॉट का मतलब क्या होता है, यदि इस तरीके से बिंदु लगा कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है गुणा, तो 2 की घात 5 बटे 3 गुणा 2 की घात 4 बटे 3। अभी देखिए, यहाँ पर आपके आधार जो है यानी कि बेस जो है वह समान है और दोनों किस में है, गुणा में है। तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है,
कि यदि आपके आधार दोनों गुणा, आधार आपके समान हैं और दोनों गुणा में हैं तो घाते जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या उत्तर आएगा, यहाँ पर भी आपकी जो घाते होंगी वो जुड़ जाएंगी। तो 5 + 3 / 4 + 3, यदि आप 5 + 3 को 4/3 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9/3, और 9/3 का मान कितना होगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 की घात 3। 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं, और यदि आपको 2 की घात 3 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 2 को 3 बार गुणा करेंगे। तो 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो इसका उत्तर हो गया है 8। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मूला या फिर जो नियम बताए गए हैं घातांकों के, उनका उपयोग करना है। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया कैसे हमने एग्जांपल 1 को सॉल्व किया है? यदि समझ में आया है तो वाई लिखें, नहीं आया है तो एन लिखें और अपना डाउट पूछें। सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक, चलिए यह समझ में आया तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड और फोर्थ ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 1/3 की घात 7 और उसकी भी घात हमें दी गई है 4। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी तीसरे नंबर की, कि यदि कोई एक संख्या है उस पर कुछ घात लिखी हुई है और उस पर एक और घात है तो वो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या वही प्रॉपर्टी लग रही है क्या, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 1/3 की घात 7 है और उस पर भी घात 4 है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले तो खोल लेते हैं, 1 है ऊपर तो 1 पर भी क्या हो गया, 1 की घात 4 / 3 की घात 7 है और इस पर भी क्या हो जाएगी, घात 4। 1 की घात 4 का मतलब क्या है, 1 को 4 बार गुणा करें। तो 1 को आप 4 बार गुणा करें, 1 × 1 × 1 × 1, और नीचे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 3 की घात 7 और उस पर भी घात 4 है, यानी कि घात के ऊपर घात लगी हुई है तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 की घात क्या होगी, 7 × 4। अब यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो आएगा 1/3 की घात 28, 7 × 4 कितना होता है, 28। तो 1/3 की घात 28 यह आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी के दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा चलिए मैं हिंट के तौर पे आपको बता देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, थर्ड का भी और फोर्थ को यह सॉल्व करना है। इसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, चलिए देखिए, आप अगर देखें तो इसमें आपकी घातें सेम है, घात समान है, दोनों की घात 3/2, 3/2 है, लेकिन आपके आधार अलग अलग हैं। तो हमने देखा था चौथी प्रॉपर्टी में, देखिए चौथी प्रॉपर्टी में दोनों की घातें समान है, आधार अलग हैं, दोनों गुणा में हैं, तो वह यहाँ पर भी लग रही है, घातें सेम है, आधार अलग हैं और दोनों के बीच में डॉट है, यानी कि दोनों के बीच में गुणा है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ए की घात एम गुणा बी की घात एन। तो यहाँ पे आप आधारों का गुणा करेंगे, ए गुणा बी और इनकी घात क्या हो जाएगी, एम, यानी कि 3/2। तो इसमें आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी। और चौथे क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखिए इसमें जो है आधार समान है और दोनों किस में है, दोनों डिवीजन यानी कि भाग में है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए की घात एम बटा ए की घात एन, यानी कि जब आपके आधार समान हो और दोनों डिवीजन यानी कि भाग में हो तो क्या होता है, आपकी जो घातें होती हैं वह घट जाती हैं, यानी कि नियम नंबर 2 लगेगा इसमें, इसमें नियम नंबर 4 लगेगा। ठीक है, तो यह आपको घर से सॉल्व करके आने हैं, यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक?